ये भी कहा जाता है कि ये वीआईपी ग्रुप है, ये भाजपाइयों का ग्रुप है, भाजपा का ग्रुप है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही हैं कि वीआईपी ग्रुप टूट रहा है और टूट टूट कर बिखर रहा है, तो ऐसी चर्चाएं क्यों चल रही हैं सोशल मीडिया पर? नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं डोरेमोन्स इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल, जो कि हाल ही में वीआईपी ग्रुप की अध्यक्ष बनी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। मैडम ये बताइए, आप वीआईपी ग्रुप में कब से जुड़ी हुई हैं? वीआईपी ग्रुप में लगभग हम 7 से 8 सालों से जुड़े हैं। 7-8 सालों से जुड़ी हुई हैं। तो क्या काम है वीआईपी ग्रुप का, उद्देश्य क्या है वीआईपी ग्रुप का? वीआईपी ग्रुप का मैं कहूंगी कि किसी भी तरह का दिखावा नहीं है इस संगठन में, और ये काम करने वाला ग्रुप है। इसको मैंने 7-8 सालों से जैसे कि ग्रुप में जुड़ी हुई है, तो देखती हूँ कि जैसे ही अगर किसी को कोई जरूरत है तो उसका हेल्प करना हो गया, या किसी को किसी तरह की कोई ऑपरेशन है, कोई पैसों की मदद है, या कोई पढ़ाई से नहीं कर पा रहा है, तो उस तरह से एक फेयर तरह से ऐसा एनजीओ ग्रुप संगठन मैं कह सकती हूँ, जो लोगों की सही तरह से मदद करते हैं। कितने लोगों से इसकी शुरुआत हुई थी और आज वीआईपी ग्रुप में कितने लोग जुड़े हुए हैं? सर ये लगभग मेरे हिसाब से शायद 15 लोगों से लगभग शुरुआत हुई थी, और आज की डेट में इसमें कम से कम 400 से 500 लोग तक जुड़े हुए हैं। 400 से 500 लोग जुड़े हुए हैं। तो अभी तक क्या क्या काम आप लोगों ने किया है? अभी तक तो सर इसमें इतने लंबे समय में बहुत लिमिटेड काम हो चुके हैं, क्योंकि मैं ग्रुप में जुड़ी हुई थी तो मैं देखती रहती थी कि जब भी किसी को जरूरत है, इन्होंने खाने का अरेंजमेंट करवाया, किसी की छत टूट गई या दीवार टूट गई उसकी हेल्प करी, किसी को ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे वो दिए गए, किसी को ब्लड चाहिए वो दिया गया, किसी लड़की की शादी नहीं हो पाई तो भी इन लोगों ने हेल्प करी है। पेड़ों के लिए तो इनका एक मतलब मैं कहूंगी शायद ये सिंगल ऐसे पर्सन होंगे, ऐसा ग्रुप होगा, इन्होंने इतने पेड़ लगा डाले। तो कहीं ना कहीं जो अब तक मैंने देखा वो काम ही देखा, अदरवाइज मैं भी शायद किसी भी एनजीओ या ग्रुप से आज तक नहीं जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा दिखावे में यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन ये ग्रुप ऐसा है जो काम करता है। अच्छा, अब वीआईपी ग्रुप की आपको अध्यक्ष बनाया गया है, तो आपके पास क्या प्लानिंग है, आप क्या करने वाली हैं वीआईपी ग्रुप के माध्यम से? हाँ, अध्यक्ष बनाया गया है और मैं इसके लिए सबसे पहले थैंकफुल हूँ कि इस चीज के लिए मुझको चुना गया, अभिनव जी का और बाकी जितने भी इसमें ग्रुप मेंबर्स हैं। और प्लानिंग में यही है, अभिनव जी से मेरी कई बार बात हुई तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि हमारा उद्देश्य है कि साल में 12 महीने हैं, तो 12 महीने पहली चीज तो अच्छे काम करने हैं, हर महीने एक बड़ा टारगेट काम लेके चलना है जो सबसे बड़ा और अच्छे लेवल पे जिसमें लोगों की हेल्प की जा सके, और सेकंड साल भर में एक अच्छा एक ग्रैंड लेवल पे एक बढ़िया काम करना है जिससे बहुत सारे लोगों का अच्छा हो सके। चलिए, हमारे साथ ग्रुप के संस्थापक अभिनव गुप्ता जी भी हैं। अभिनव जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो आपने ग्रुप बनाया है वीआईपी ग्रुप, क्या ये किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है? नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि हमारे ग्रुप में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग जुड़े। अच्छा, कौन कौन जुड़ा हुआ है इसमें? किसी टाइम में रिंकू भैया जो MLC रहे हैं जी, वो भी जुड़े थे। रोहित बहल जी समाजवादी पार्टी से हैं, स्तुति गुप्ता जी भी काफी टाइम जुड़ी रही, तमाम ऐसे लोग जो बसपा या सपा या कांग्रेस के हैं, मुन्ना भैया हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं किसी एक पार्टी से बिलोंग है। अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे चर्चाएं चल रही हैं कि वीआईपी ग्रुप टूट रहा है और टूट टूट कर बिखर रहा है, तो ऐसी चर्चाएं क्यों चल रही सोशल मीडिया पर? देखिए, कोई भी जब परिवार बड़ा होता है, हर परिवार में कहीं ना कहीं जैसे जब परिवार बड़ा होता है तो कोई अलग अलग सबके काम होते हैं, एक ही काम पे डिपेंड। तो अब घर में अगर 4 भाई हैं तो कोई वकालत के प्रोफेशन में जाता, कोई पत्रकार बनता, कोई व्यापार करता, कोई सर्विस करता, कोई समाज सेवा करता। तो अब चूंकि वीआईपी ग्रुप में जब हमने शुरुआत करी, मैडम ने सही कहा, मैडम लगभग शुरू से जुड़ी हुई है हमारे साथ, तो अच्छे काम की शुरुआत 10-15 लोग से ही हुई थी। फिर वो धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म लोगों को अच्छा लगा, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। जैसा कि कहा हुआ था, मैं अकेला ही चला था मंजिले गालिब मगर, और लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। जो कॉन्सेप्ट हमारा था लोगों को समझ में आया, और धीरे धीरे अब इस टाइम इसमें कैटेगरी हमने बना रखी है, कुछ सक्रिय हैं, कुछ निष्क्रिय हैं, तो सबको साथ लेके चलते हैं। जो लोग सक्रिय उनका अलग है, और जो मॉनिटरिंग करते हैं हर चीज की, रणनीति बनाते हैं, उनका अलग ग्रुप है। ओवरऑल 300-400 लोगों का नेटवर्क है। अच्छा अभिनव जी, ये भी कहा जाता है कि ये वीआईपी ग्रुप है जी, ये भाजपाइयों का ग्रुप है, भाजपा का ग्रुप है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जैसा कि हमने बताया, तमाम जो जब जिस टाइम ग्रुप बना था 2015 सपा की सरकार थी, अब तमाम लोग, हम नाम सबके नहीं लेंगे, तमाम लोग जो सपा में थे वो भाजपा में चले गए। सपा के महानगर अध्यक्ष जो थे आज भाजपा में है, ये हकीकत है। इस टाइम भाजपा
में जो लोग का है वो हमारे संगठन में ज्यादा, 2015 में संगठन बना, 17 तक उसकी पहचान बनी और एक अच्छा मंच तैयार हो गया। 17 में भाजपा की सरकार थी तो जो हमारे ही एक्टिव सदस्य थे तो उसमें से बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो आज भाजपा में पदाधिकारी हैं, वो माने ना माने लेकिन कहीं ना कहीं आप सब लोग उस चीज को जानते हैं। हाँ, एक और कारण है जिसकी वजह से लोग अक्सर कहते हैं, माननीय वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, जब वो ना मंत्री थे ना विधायक थे, एक उनका स्कूल था, उसी स्कूल में हमने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की, उस स्कूल के वो प्रबंधक थे, उस नाते हम उन्हें अपना गुरु मानते हैं। साथ ही जो चंद्रशेखर खन्ना जी हैं, बड़े भाई हैं हमारे, बड़े भाई की तरह है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो बड़े भाई भी हैं, शिक्षक भी हैं, अभिभावक भी हैं, तो कई चीजें उनसे डिस्कस होती हैं हमारे ग्रुप में। जो आज कहीं ना कहीं जो सामाजिक पूरी तौर से अच्छे कामों के लिए प्रेरित करते हैं तो वो धीरू भैया हैं, तो उनसे बहुत हेल्प मिलती है, तो हम उन्हें संरक्षक मानते हैं। तो ये दो वजह ऐसी हैं कि जिनकी वजह से लोग भाजपा ही ग्रुप मानते हैं, लेकिन ग्रुप में हर किस्म के विचारधारा के लोग हैं, सभी लोग अपना मत देते हैं, अपना विचार देते हैं, सभी के विचार के साथ ही हम लोग अपना अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। भाजपा ही कहीं, हाँ ये जरूर है कि इसमें भाजपा ही लोग कुछ ज्यादा हैं, ये आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, देश हित में हमारा ये ग्रुप अपना सेवा कार्य भी करता है, हर तरीके से सहभागिता भी देता है कि कुछ भी हो जाए हमारे देश के ऊपर कोई भी बात नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए आप उसके लिए भले ही भाजपा ही का आरोप लगा दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबको लेके, सबके साथ मिलके ये ग्रुप आगे बढ़ता है, सबके विचार लेके। ऐसा नहीं कि एक विचारधारा बन गई उसी के ऊपर हमें काम, जो सही हो उसको उसके। हमारे साथ बीआईपी ग्रुप की कोषाध्यक्ष ज्योति गुप्ता जी भी मौजूद हैं। मैडम ये बताइए कि आप, अभी मैडम ने बताया था कि आप लोग जो आपका ग्रुप है वो गरीब कन्याओं की शादी करना है या लोगों की मदद करना है, तो ये फंड आप लोग कहाँ से इकट्ठा करते हैं? जैसे बीआईपी ग्रुप में कोई भी ग्रुप होता है तो हम लोग अपनी कमेटियां बना रखते हैं, तो हमारी एक कोर कमेटी भी इसमें बनी हुई है, तो कहीं पर भी कोई आवश्यकता आती तो हम लोग उससे कोष मिलता है। बल्कि और फिर एक ग्रुप और भी है, पूरा हमारा वैसा ग्रुप है जिसमें सब लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी हम लोग डाल देते हैं कि ऐसी समस्या आ रही है तो हम जिसको कुछ हेल्प करनी हो वो कर सकते हैं, तो हमें वहां से भी कोर्स प्राप्त होता है, तो उसी से हम लोग सबको हेल्प करते हैं। वो लोग अपना नाम नहीं आने देते सामने कि मेरा नाम मत आए, लेकिन मेरे ग्रुप में ऐसे बहुत से छुपे हुए ऐसे दानी का लोग हैं कि जो मतलब समय समय पर बहुत अच्छी सी मदद कर। अच्छा मैडम ये बताइए, अगर कोई बीआईपी ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है? जी बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ये ग्रुप लोगों की, जैसे मैंने बताया बार बार, की सच्ची भावना से सेवा का ही काम करता है। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए लोगों के दिमाग में सवाल रहता है कि क्या मतलब ऐसा क्या करना पड़ेगा जो जुड़े, क्योंकि मेरे पास भी ऐसा कई सवाल आया। इसके लिए बहुत ही सरल तरह से, जैसे मैं इसकी प्रेसिडेंट हूँ तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ग्रुप के संस्थापक अभिनव जी हैं उनसे कर सकते हैं, हेमा भाभी से, ज्योति भाभी से, इन सबसे किसी भी ग्रुप के जो अच्छे पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करके इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और लोगों की सेवा भावना के लिए समाज में आ गया।